ये है मोटरोला का नया एज 40। हमने मोटरोला के काफी सारे स्मार्टफोन ट्राई करके बजट में, मिड रेंज में, काफी फ्लैगशिप वाले भी, और मोटरोला का जो पिछला भी एज 30 था वो भी काफी बिकने वाला स्मार्टफोन था, और ये वाला उसका बड़ा भाई है। इसके अंदर एक ब्रांड न्यू प्रोसेसर है, काफी सारी नई नई चीजें, काफी सारे चेंजेस करें भाई, मैं एक्साइटेड हूं खोलने के लिए। सबसे पहली चीज तो आप नोटिस करो, डब्बा ही काफी डिफरेंट लग रहा है, इको फ्रेंडली टाइप डब्बा है, इसको फटाफट खोलते हैं। अंदर भी इको फ्रेंडली है पूरा, कवर की है, पैकेजिंग भी एक्चुअली पेपर है, कवर भी सॉलिड लग रहा है। स्मार्टफोन में भी पेपर वाली पूरी कवरिंग है, बेसिकली एक थोड़ा सा फ्लैगशिप एक्सपीरियंस हुआ है, डेफिनेटली ऐड करता है। ये भाई एक बार फोन खोल के देख लेना, ये है मोटरोला का नया एज 40। ये मोटरोला की काफी एक हाई मिड रेंज वाली सीरीज है, और एक दूसरा वाला लेदर वेरिएंट भी है, उसमें बैक साइड में पूरा ऐसे लेदर वाली फिनिश है। लेदर वाले में दो कलर्स हैं, और वो मेरे को पर्सनली थोड़ा ज्यादा बेटर लगा, बट काफी लोगों को ऐसे स्लाइडिंग स्लाइडिंग वाली फिनिश अच्छी लगती है, बट बाकी भी देखते हैं भाई क्या क्या चीज। ये वाला एक सिम इजेक्टर टूल है, काफी अच्छा सा लग रहा है, और ये हमारी यूएसबी टाइप सी की है, और ये हमारा चार्जर, चार्जर का कवर पूरा पेपर का है, तो ये थोड़ा सा लंबा सा लग रहा है। एक्चुअली 68 वॉट का चार्जर है, 68 लिखा भी है, आधा 8 थोड़ा कटा हुआ, बट पिछली बार एक्चुअली फास्ट चार्जिंग नहीं थी, इस बार फास्ट चार्जिंग ऐड करके, और मोटरोला में यूजली आती नहीं फास्ट चार्जिंग, वही एक थोड़ा सरप्राइज है। बट आप लोगों को भाई ये स्मार्टफोन सरप्राइज करे तो मजा आएगा। पहली ग्लांस में अगर आप नोटिस करोगे, बैक साइड में है तो ये प्लास्टिक ही, बट यहाँ पे एक डिफरेंट फिनिश है, और यहाँ पे एक थोड़ी सी शाइनी सी फिनिश है। जो पूरा एक फ्रेम है वो एक मेटल का फ्रेम है, और हाथ में पकड़ने में डेफिनेटली एक प्रीमियम स्मार्टफोन फील होता है। बैक साइड में ग्लास होता तो मजा आता, बट अभी भी ये मस्त है। ये वाला स्मार्टफोन IP68 रेटिंग के साथ वर्ल्ड का स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है, 1.5 मीटर तक पानी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रंट में स्क्रीन भी कर्व्ड है, और साइड भी काफी ज्यादा पतली है, इसीलिए जब आप हाथ में पकड़ते हो तो बहुत ही ज्यादा पतला फील होता है। नीचे साइड पे अगर मैं आपको सिम स्लॉट खोल के दिखाऊं, तो है तो पूरा मेटल का ही है। यहाँ पे सिम दिखा रहा है, सिम 1 नहीं दिखा, देखो सिम 2 भी नहीं है। आप बोलोगे भाई सिंगल सिम है, नहीं डुअल सिम है, ई सिम आप लगा सकते हो। लेफ्ट साइड पूरी सपाट है, राइट साइड में वॉल्यूम बटन, पावर बटन, क्योंकि फ्रेम एकदम पतला सा है तो भाई बटन भी थोड़े पतले और थोड़े छोटे छोटे फील होते हैं, और कभी बार थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, क्योंकि तीनों का साइज काफी सिमिलर है, तीनों आसपास में। वॉल्यूम बटन अगर दूसरी साइड कर दो थोड़ा बेटर था। ऊपर की साइड पे आप देखो डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, और बैक साइड में भाई दो कैमरे का सेटअप है भाई। यहाँ पे पूरी स्पेक्स वेक्स लिखी है, 50 MP OIS भी आ रहा है। जैसे हाथ में पकड़ोगे ना काफी पॉलिश सा फील होता है, क्योंकि जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना, जैसे बटन्स भी मेटल के हैं, जो कैमरे के अराउंड भी एक डायल सी डिटेल्स रखी है, वो भी काफी अच्छी लग रही है। ओवरऑल एक ऐसा पकड़ने में काफी पॉलिश सा स्मार्टफोन फील होता है, पैकेजिंग से एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाता है। सेम चीज फील होती है जब आप इसके डिस्प्ले को भी यूज करते हो। इसमें एक 6.55 इंच का 144Hz HDR10+ डिस्प्ले, जो बहुत ही ज्यादा स्मूथ, वाइब्रेंट और इस सेगमेंट में देखने के लिए नहीं मिलता। और एक POLED डिस्प्ले, POLED एक्चुअली LCD से बेटर होता है, और इस पे जैसे कि आप देख सकते हो भाई, जो डिस्प्ले पे मैंने अभी वीडियो चला रखी है, जो राउंडेड कर्व्स के अराउंड बेजल है वो तो बिल्कुल दिखती नहीं, और ऊपर नीचे के साइड भी बेजल काफी हद तक पतली है। और समझ लो आप IPL देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख रहे हो, तो जो कैरेक्टर है भाई उनके कलर्स वलर्स काफी ज्यादा तगड़े आएंगे। डिस्प्ले भाई इस प्राइस पॉइंट पे एकदम ही किलर है। और दूसरी चीज और जो किलर है वो है इसका सॉफ्टवेयर, एक पूरा ही स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, कोई भी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन नहीं मिलती है। यहाँ पे एंड्रॉइड 13 मिल जाता है, जितने फीचर्स हैं मोटरोला वाले, जैसे शेक वाला है, फिर उसके बाद आप ऐसे ट्विस्ट करोगे कैमरा खुल जाता है, ये सारे बेसिक फीचर्स आपको मिल जाते हैं, उसके साथ कुछ एडिशनल भी आते हैं। इसमें फोन की ऐप आप लॉक कर सकते हो किसी को देने वेने से पहले, मोबाइल डेस्कटॉप भी आप यूज कर सकते हो, इसमें फाइल वगैरह आप डायरेक्ट सीधा ड्रैग करो अपने फोन से कंप्यूटर पे। और जो एंड्रॉइड के अपने फीचर आते हैं भाई, कस्टमाइजेशन वाले, अलग अलग एप्लीकेशन वाले, एज लाइटिंग भी है, आपको नोटिफिकेशन आएगी ग्लो करी, वो सारे आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। मोटरोला एंड्रॉइड 15 तक के भी अपडेट्स इस वाले स्मार्टफोन के अंदर प्रॉमिस कर रहा है, और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी इसके अंदर प्रॉमिस्ड है। एक चीज है, क्योंकि एक पतला स्मार्टफोन है तो ऑफकोर्स भाई बैटरी आपको 5000 mAh नहीं देखने मिलती, इसके अंदर एक 4400 mAh की बैटरी है, आपका एक दिन आराम से चल जाएगा, और चार्जिंग काफी तेजी से होगी। एक चीज और, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिल जाती है, जो इस प्राइस पॉइंट में नहीं है। और इस वाले स्मार्टफोन में ऐसा फील हो रहा है कि मोटरोला ने ना अपने ऑडियंस की काफी चीजें सुनी है, जैसे चार्जिंग को लेके, वो एक्चुअली फील होता है इस वाले में, इम्प्लीमेंट होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से होती है परफॉर्मेंस। इसमें मीडियाटेक का नया डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर है, जो स्नैपड्रैगन 888 आता है या 8 Gen 1 आता है उससे हल्का सा नीचे है, और जो स्नैपड्रैगन का 870 है उससे हल्का सा ऊपर है। बाकी सारी भी जो चीजें हैं, जो स्पेसिफिकेशन है, 8GB रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज है, 56GB की स्टोरेज भी मिल जाती है। और क्योंकि भाई पूरा ही स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है, तो वैसे ही एक्सपीरियंस फास्ट होता है, पर डेफिनेटली फोन काफी ज्यादा स्नैपी फील होता है। हमने न्यू स्टेट भी चला लिया। इसमें गेम मोड भी है, काफी ज्यादा सिंपल है, सेटिंग वेटिंग भी आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो, मतलब रिफ्रेश रेट और सारी चीजें चेंज करने वो सब हो जाता है। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो एक बेसिक गेम मोड है, एकदम ऐसा गेमिंग सेंटर गेम मोड नहीं लगा। ग्राफिक्स में मैक्स पे अल्ट्रा सेटिंग पे चल रहा है, मैक्स पे अल्ट्रा पे हम खेल के देखते हैं, मेरे को थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स दिख रहे हैं एकदम मैक्सिमम सेटिंग पे। मैं प्रोसेसर थोड़ा कर रहा है, ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा ऑप्टिमाइज होने, एकदम ही फ्रेश प्रोसेसर। एक चीज मैंने नोटिस करी, आवाज की क्वालिटी वो बहुत अच्छी लग रही है।
अरे भाई नॉकआउट कर दिया। अरे बचाओ मुझे, भाग क्यों रहे हो भाई? भाग गए मेरे को टीम वाले छोड़ के, भाग गए भाई, ऐसे ही नहीं करा। अभी आ रहा हूँ मैं, BGM आएगी फिर मैं अपना जलवा दिखाता हूँ भाई। इसमें अगर मैं आपको आवाज सुनाऊं, मजा आ रहा था भाई गाने वाने सुनने में, क्योंकि ऐसा नहीं था कि बस लाउड है, जो आवाज है उसमें बेस भी है, क्लैरिटी भी है और डॉल्बी एटमॉस वाली फील आती है। स्मार्टफोन थोड़ा पतला भी है ना, तो पूरा फोन ऐसे वाइब्रेट सा होता है। जो पूरा एक्सपीरियंस है भाई परफॉर्मेंस के अराउंड, गेम वेम आपको खेलनी है, आपको भाई वीडियो वीडियो देखनी है, अभी तक तो इस प्राइस पॉइंट के साथ सब सही लग रहा है। बट भाई फोन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कैमरा। इसमें एक 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है और उसके अंदर OIS है, एक काफी बड़ा सेंसर है, उसके साथ साथ एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है। दोनों तो खींच के देखते हैं भाई फोटो। सबसे पहले तो हम सेल्फी खींचेंगे। वो डिटेल बढ़िया हमारी भाई, उड़ी ओवरलेज वाली बढ़िया दिख रही है, होंठ थोड़े रसीले लग रहे हैं, इतनी लाल है नहीं मेरी जीभ और मेरे होंठ। ऐसे आप देखो सही लगी आपको फोटो, बट हल्का सा नेचुरल फील दे रहा है। ये देखो भाई मैंने मॉडल पोज कर लिया ना भाई, इसमें ज्यादा लाल कर दिया यार, इतना लाल नहीं है यार। सन के अगेंस्ट थोड़ा सा ली थी, थोड़ा सा व्हाइट शेड हुआ, हल्का सा ब्लू शेड आ रहा है। डायनेमिक रेंज और थोड़े से कलर्स और पैटर्न्स होते हैं, कलर्स वाइब्रेंट हैं, मजा आ रहा है फोटो देखने में। डिटेल भी है, कॉन्ट्रास्ट भी बढ़िया है, बट थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहिए। ये कुछ फोटो हैं जो हमने अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में देखी। इसमें जैसे कि देख सकते हो भाई, जो डिटेल है आप जूम करके देखो भाई अच्छी आती है। उसके बाद जो एक्चुअल डायनेमिक रेंज है, आप स्काई भी आपको देखना है, हरियाली भी देखनी है, वो तीनों चीजें सही से मैच हो जा रही है। जो रियर वाला 13 मेगापिक्सल कैमरा है उससे आप मैक्रो में भी फोटोज ले सकते हो। ये कुछ फोटोज हैं जो हमने लिए इस वाले कैमरे से। कलर्स मैं बोलूंगा एकदम एक्यूरेट नहीं है, स्किन टोन्स में हल्का फुल्का ऑफ हो जाता है, बट जो यूजर वाला एक्सपीरियंस, जैसे आपको लेंसेज चेंज करने हैं, सेम पोर्ट्रेट में भी अगर आपको अलग अलग mm पे, 35 mm पे, 50 mm पे डिफरेंट फोटोज आती हैं इस पे, और ये अलग लेंसेज यूज करता, बट काफी छोटी चीज है बट काफी फंक्शनल सा फील होता है। ऐसा नहीं कि भाई भतेरे मोड डाल दिए, बट जो मोड डाले गए हैं वो काफी बढ़िया से काम करते हैं। पोर्ट्रेट मोड में जो एज डिटेक्शन है वो काफी अच्छी है, जो बैकग्राउंड में ब्लर आता है काफी नेचुरल फील होता है। एक चीज हमने एक्सपेक्ट नहीं करती, बट जो नाइट मोड है उसमें भाई अच्छी फोटोज आ रही है। हमने अंधेरे में खींची तो एक्चुअली काफी ज्यादा डिटेल हमको देखने के मिली और ओवरऑल इमेज भी काफी बैलेंस फील हुई। इसमें जब आप वीडियोज भी बनाओगे तो आपको OIS मिलता है, काफी हद तक एक स्टेबल फुटेज आती है। आपको घर लेके जाना है, फुटबॉल खेलते खेलते वीडियो बनानी है, तो उसमें भी भाई अच्छी फुटेज आ जाती है। बैक वाले कैमरे से 4K में 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो, फुल HD 60 या 30 FPS में कर सकते हो। स्लो मोशन करना है 240-120 FPS पे। ऑडियो जूम वाला फीचर है, तो आप वीडियो में अगर जूम करते हो तो ऑडियो भी भाई जिस बंदे की आप सुनाना चाह रहे हो उसकी थोड़ी जूम हो जाती है। ये 3 माइक का सेटअप है इसलिए सारी चीजें कर पाते हैं। और छोटी छोटी चीजें जैसे एक होराइजन लॉक का फीचर ऐड कर रखा है, आप पूरा फोन घुमा भी दोगे तब भी फुटेज स्टेबल रही, ब्लर भी आप भाई वीडियो में डाल सकते हो। ये नहीं मैं बोलूंगा एकदम बेस्ट इन क्लास है, बट ये सारे फीचर्स डाले जा रहे हैं वो बड़ी बात है, क्योंकि और ये सारे ऐसे फीचर्स हैं जो फ्लैगशिप्स में आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा और एक्यूरेट, थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए कलर्स के मामले में, बट डेफिनेटली भाई पुराने वाले से इम्प्रूव फील होता है। इस फोन का प्राइस स्टार्ट हो रहा है 29,999 रुपीज से, और प्री बुक कराना तो भाई फ्लिपकार्ट पे हो रहा है। देखो अगर मैं आपको एकदम सीधा सीधा बताऊं तो इस वाले स्मार्टफोन को ऐसे बनाया गया कि जो फ्लैगशिप है उससे थोड़ी बहुत चीजें हटा के काफी सिमिलर फीचर्स और काफी सिमिलर पैकेज आपको एक काफी कम प्राइस में दे दिया जाए, और काफी अच्छा वैल्यू पैकेज दिख रहा है ये वाला स्मार्टफोन। सेगमेंट में काफी सारे ऐसे फीचर है जो पहली बार आ रहे हैं, जैसे पहला कर्व डिस्प्ले, IP68 रेटिंग, वायरलेस चार्जिंग, कैमरे में भी 1.4 का एक बड़ा अपर्चर है OIS के साथ, और सारी चीजों के साथ एक फ्लैगशिप किलर वाली फील तो दे रहा है। आप बताना 30,000 में आप कौन सा स्मार्टफोन लेना प्रेफर करो, और हम next word.